الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब आह तेरी ना रसा है। तने बेरू से बेजार है हक, खुदा जिंदा है जिंदों का खुदा है। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने इल्म की तीन हालतें रखी हैं। एक इल्मुल यकीन है, एक आइनुल यकीन है, एक और हक्कुल यकीन। इस वक्त जितनी भी बातें होती है वो इल्मुल यकीन पर चलती है। एक तबका है वो आइनुल यकीन को बिल्कुल रद्द कर देता है, तो हक्कुल यकीन को कहां से मानेगा। एक चीज है सबूत दे दो, लेकिन इन सबसे पहले जो फर्क की जाती है वो आमाल पर की जाती है। आया कौन से आमाल गुना है और कौन से गुना नहीं है, ये सबको पता है। हम नबी की जात को ले लेते हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया को पैदा किया, मासूम पैदा किया, कोई गुनाह इनके वजूद में नहीं है, सादिर नहीं होता, नफ्से मुतमाइन्ना अता किया। न नबुवत से पहले कोई गुनाह किया, न नबुवत के बाद कोई गुनाह किया। अब हर वो चीज जो नबी की जिंदगी में साबित हो उसको गुनाह नहीं कहा जाएगा। जो उसको गुनाह कहेगा उसने नबी पर गुनाह की तोहमत लगाई। हर वो चीज जो नबी की जिंदगी में साबित हो उसको गुनाह नहीं कहा जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने दावत दी, जुलेखा के साथ अंदर गए, उसने गुनाह की दावत दी तो वसवसा तो आया, मगर अब ये वसवसा आना गुनाह नहीं हुआ क्योंकि नबी को आ गया। और आप भाग खड़े उस फेल को नहीं किया तो वसवसा अब गुनाह नहीं कहलाया जाएगा। अब इस वसवसे में जिस तरह के भी वसवसे डाल दिए जाए, कुफर के डाले जाए, शिर्क के डाले जाए, अब वसवसा गुनाह नहीं रहा क्योंकि नबी को वसवसा हो गया। आप अलैहिस्सलाम की हयात को देखे, अब बदरगाह का एक मैदान खड़ा किया गया। आज बदनिगाही क्या है, औरत पे निगाह पड़ना और नजर हटा लेना, ये बदनिगाही में नहीं आता। हत्ता के ये भी बदनिगाही में नहीं आता कि खातून पे नजर पड़ी उसकी शहवत अचानक उठ गई, तो ये बदनिगाही में नहीं आएगा, इसलिए कि ये चीज भी नबी से साबित है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको किसी खातून को देख के कोई ख्वाहिश उठे वो जाकर अपनी बीवी से हमबिस्ती करे, इलाज वो वसवसा रफा हो जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि इसका इलाज शहवत का निकाह है। क्या है? क्योंकि जब तक इसका इलाज नहीं करोगे, अब ये कहा बदलेगा, आपने खातून को टिकटिकी बांध के जिना की नीयत से देखा, क्या देगा, आपकी नजर पड़ गई और आपकी ख्वाहिश उठ गई, ये गुनाह में नहीं आएगा क्योंकि ये भी साबित है। आप इसको गुनाह कहोगे इस वसवसे को, तो ये नबी से साबित है, गुनाह नहीं कहलाया जाएगा। इस तरह बिला उजर नमाज, उजर के साथ नमाज कजा होना हुजूर से साबित है। आप कोई उजर के साथ नमाज छोड़े या उससे नमाज छूट जाए तो यह नमाज कजा हुजूर से साबित है। इसको जो गुनाह कहेगा
वो अपने अकीदे की इस्लाह करे, क्योंकि ये चीज नबी से साबित है, क्योंकि नबी मासूम है, न पहले कोई गुनाह न बाद में कोई गुनाह। अब यहां पर जो वसवसे है, हकीकत और शवाहिद को छोड़कर आप जन पर फतवा दे देते हो या जन पर मसला बयान करते हो, तो ये जन ये यकीनी नहीं है, मगर ये मसला यकीनी है, ये किताब और सुन्नत से साबित है। तो फतवा किस पर आएगा? यकीन पर आएगा। अब जो आदमी इसमें मुब्तला है वो माजूर है, वो मुद्दई है। अब बीमारी की किस्में, बुखार को बीमारी मानते हो, कैंसर को बीमारी मानते हो, हर चीज को आप बीमारी मानते हो, मगर जादू को आप बीमारी नहीं मानते। मैं यहां इस बात पर कभी भी एतराज नहीं करता, क्योंकि उलमाए हक्कानी या जो भी हो, उनका यह फर्ज बनता है कि एतदाल के रास्ते को काबे। आप जिन जिन की किताबें पढ़ते हो, मैं उन्हीं की किताबों से हवाले देकर बात करूंगा, मैं किसी और का हवाले नहीं दूंगा। सबसे पहले सूफिया और उलमा का जो इख्तिलाफ है, इसमें कौन से उलमा का इनके साथ इख्तिलाफ है, या वो उलमा जो तसव्वुफ से आरी थे या वो उलमा जो सूफी थे। सबसे पहले बात हम सनद पर करेंगे। एक शख्स एक मदरसे से फारिग होता है, इसकी सनद अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जाती है, और एक शख्स जो तसव्वुफ की सनद लेके जाता है, इसकी सनद खुलफाए राशिदीन तक जाती है। दोनों से में किसकी सनद आली है? तो सूफिया के पास उलमा का जाना इसलिए हुआ कि ये इसरारी उलूम अल्लाह ताला ने इनको अता किए थे, तो इनके पास इल्म है। तो खुलफाए राशिदीन का इल्म क्या हुआ? इसरारी हुआ। क्या हुआ? तो जिसको अल्लाह ने जाहिर करना था, तो फिका को जाहिर रखा और तसव्वुफ को इसरार रखा। जो शख्स तसव्वुफ पर रद्द करता है वो भी मुल्ला खुश्क है, और जो सूफी इलम पर रद्द करता है वो सूफी खुशक है। इन दोनों का जो है दिमाग खुश्क हो चुका है। अब आ जाओ, फकीह की सनद क्यों आ ली है? इसलिए कि ये दोनों का मजमुआ हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां की भी सनद आ रही है, यहां की भी सनद आ रही है। अब हम आते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सनद फिका की किधर जाती है और तसव्वुफ की किधर जाती है? फिका की गई अब्दुल्ला इब्ने मसूद तक, लेकिन यही इमाम अबू हनीफा इतने सहाबा को देख चुके, मगर वो उन सहाबा के बारे में जिनसे उन्होंने उलूम हासिल किया नहीं फरमाया। लेकिन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में बैठ के फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल उनकी सोबत में न रहता तो हलाक हो जाता। क्या फरमाया? आपको तारीख की किताबों में बात। अब इमाम जाफर सादिक की सनद तसव्वुफ पे जाती है, कहां जाती है? इमाम जाफर सादिक ने अपने नाना कासिम बिन अबी बकर से, उन्होंने सलमान फारसी से, उन्होंने अबू बकर सद्दीक से, और उन्होंने हुजूर से। नक्शबंदिया के अंदर आपको ये सनद मिल जाएगी कि उनकी सनद कहां जा रही है। दूसरी सनद यहां पर भी खलीफा राशिद, दूसरी सनद उन्होंने अपने वालिद इमाम बाकर से, उन्होंने इमाम जैनुल आबिदीन से, उन्होंने हजरत हुसैन से, उन्होंने हजरत हसन से, उन्होंने हजरत अली से। यहां भी 2 खलीफा राशिदीन आते। हजरत हसन भी खलीफा राशिद है, इसलिए कि खिलाफत का दौर जो हुजूर ने फरमाया उनमें उसका दौर आता है। बातें पहले सनद की करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। आप एक आदमी ले आओ जो इस सनद को चैलेंज कर दे, एक आदमी अगर इस सनद को चैलेंज कर गया, उसको मान जाऊंगा। कर सकते हो? पहले तसव्वुफ सीखने की। अब आयो हिकमत नबूवत का हिस्सा है, सब ये कहते हैं। तो ये हिकमत अल्लाह ताला मखसूस लोगों को अता करता है।